हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्मल, हेल्दी लाइफ में आपका स्वागत है। छोटी छोटी मगर काम की बातें स्वास्थ्य के लिए आज इस पर चर्चा करेंगे कि यदि हमें कब्ज रहती है, पेट साफ नहीं रहता, हम कई प्रकार के जो है चूर्ण या दवाइयां या कई प्रकार के ऐसे एंटासिड जो भी एलोपैथिक दवाइयां जिसका उपयोग करते हैं पेट को साफ करने के लिए, वो सभी हमारे लिए नुकसानदायक हैं, घातक हैं। और सबसे बढ़िया तो आप रॉ मटेरियल अधिक खाइए। कुछ नुस्खे आपको इसमें बता रहा हूँ। रॉ मटेरियल का मतलब जैसे जिसमें फाइबर होते हैं, कच्चा सलाद जिसे हम कह सकते हैं, फल है, सलाद है, इसका सेवन कीजिए। सबसे उत्तम तो ये है ही, तो इससे आपको विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट सारी चीज़ें मिलेंगी, साथ में जो फाइबर है, और जिससे क्या है कि हमारी आंतें बिल्कुल पूरी तरह से सही साफ हो जाएंगी और हमारा जो पेट साफ रहेगा। फिर भी यदि कब्ज की समस्या है तो प्रकृति ने हमको एक तीन फल ऐसे दिए हैं, हर, बहेड़ा और आंवला, इन तीनों का चूर्ण बनाइए। त्रिफला कहते हैं, आप घर पर भी बना सकते हैं और बाज़ार में भी ये मिल जाता है त्रिफला। तो तीन फल आयुर्वेद में ये रामबाण औषधि है। और यदि ये भी कहा जाता है इसके बारे में, यदि कोई त्रिफला का सेवन 6 महीने कर ले तो उसकी काया बदल जाती है। काया का मतलब स्वास्थ्य, इतना कहते हैं ना कि 3 महीने 4 महीने बाद तो हमारा ब्लड ही नया बन जाता है, एक नया शरीर बन जाता है। तो 6 महीने यदि प्रयोग कर लेते हैं तो, और 6 महीने अगर किसी का डाइजेशन सही रह जाए, पेट सफा, तो हर रोग दफा, तो ये भी आपने सुना है। तो इसी तरह से यदि आपको कभी भी समस्या जाती है तो आप गुनगुने पानी से आप 1 चम्मच या अधिकतम 2 चम्मच जो है आप सोने से पहले इसका सेवन करके सो जाइए। आप देखिए सुबह बिल्कुल पेट साफ होगा, क्योंकि आंवला, हर, बहेड़ा ये तीनों चीज़ें जो है हमारी देव प्रकृति ने हमें वरदान दी हुई हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो पुदीने के पत्ते, इसका भी सेवन कर सकते हैं साथ में, मतलब इसका उपयोग। और सबसे बढ़िया तरीका एक और, अगर इस सारी उपाय जो अभी आपको करने के बाद भी थोड़ा भी दिक्कत आ रही है, तो एक और अच्छा उपाय इनके साथ में उपयोग कीजिए कि सुबह जगने के बाद जो है सोच को जाने से पहले कम से कम 15-20 मिनट पहले आप 1 गिलास गुनगुना पानी, कम से कम 1 गिलास, 2 गिलास पी सकते हैं गुनगुना पानी जो पीने योग्य है, और थोड़ा उसको जो है सेवन करें। उसके बाद 20 मिनट बाद आप जो है सोच के लिए जाएं, क्योंकि 12 मिनट के बाद हमारे जो है आंतों में पानी पहुंचना शुरू हो जाता है, तो जो मल चिपका हुआ है वो भी जो गीला हो जाता है, और आसानी से जो है आपका जो है पाचन जो है सही हो जाएगा और मतलब पेट जो है साफ हो जाएगा। ये मिलते हैं नई नई जानकारियों के साथ, अगली नई जानकारी के साथ, छोटी छोटी मगर काम की बातों में।